शोभिता ये तुमने क्या किया, तुमने सर का फ्लावर पॉट तोड़ दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। पर मैं जाकर माफी मांग लूंगा। हाँ तुम चाहे कुछ भी कर लो नोबिता, तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। सर तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देंगे और एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए बोलेंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सुनियो, मुझे क्या पता। चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं? तो उसके बदले कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात सुनो नोबिता। ए, तुम मॉनिटर हो, कमजोर मत पड़ना। तुम हमसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो सुनियो। अब तुम लोग घर जा सकते हो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? तुम सबको सफाई करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आज पूरी क्लास की सफाई करूं। ये दिल का बहुत ही अच्छा है। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। बाय बाय। अच्छी तरह से सफाई करना नोबिता। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। सुनियो ने अच्छा नहीं किया। तुम लेट हो गए हो, आखिर तुम थे कहाँ? इसमें गलती किसकी है? खैर जो भी हो, अब मैं बेसबॉल खेलने जा रहा हूँ, ठीक है नोबिता? ऐसा क्या, तो अच्छे से खेलना। लेकिन मेरी मॉम ने मुझे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। ये लो, 2 किलो टमाटर लाने हैं, 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू लाने हैं, ठीक है? तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुनियो बात नहीं मानी तो। सुनिए मुझे ये 1/2 किलो दे दीजिए। अरे आखिर मैं सुनियो की शॉपिंग क्यों कर रहा हूँ? नोबिता बेसबॉल की कोई बात है, सुनो। बेसबॉल? खेलते खेलते हमारी बेसबॉल इसमें गिर गई, जरा जल्दी से निकाल दो। देर मत करो, जल्दी करो। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फ्लावर पॉट याद है ना? क्या तुम सच कह रहे हो? फ्लावर पॉट वाली लाइन नोबिता के ऊपर बिल्कुल जादुई लाइन की तरह काम करती है। फ्लावर पॉट का नाम लेते ही नोबिता वो काम भी करेगा जो काम वो नहीं करना चाहता। क्या सच में नोबिता? प्लीज मुझे दो ना। और मुझे भी। क्या, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूँ? फ्लावर पॉट याद है ना? अरे सुनो, तुम ये टोकरी भूल गए हो, फ्लावर पॉट। इसे ध्यान से मेरे घर पर पहुंचा देना और गलती मत करना, ठीक है? अब मैं क्या करूं? क्या बात है, रो क्यों रहे हो? जब देखो तो रोते ही रहते हो। मेरी मदद करो डोरेमोन। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। डोरेमोन तुम सच में कितने अच्छे हो, हमेशा मेरी मदद करते हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। सबसे पहले हम स्कूल चलते हैं। बताओ वो कहाँ पर है? डस्टबिन में। रिस्टोरेशन बी। ये तो जुड़ गया। अब सब ठीक है ना? अब घबराओ मत। कमाल हो गया, शुक्रिया डोरेमोन। अब कोई परेशानी नहीं, मैं बेफिक्र होकर आराम से सो सकता हूँ। अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ और भी करना है? अरे हाँ, मैं सुनियो का गार्डन साफ करना तो भूल ही गया। रुक जाओ नोबिता, अब तुम्हें सुनियो का गार्डन साफ करने की क्या जरूरत? अब तुम्हारे ये बोलने पर मुझे गुस्सा आ रहा है। सुनियो बहुत बुरा है। चलो उसे मजा चखाएं। वो कैसे डोरेमोन? इस गैजेट की मदद से हम सुनियो की सारी कमजोरियों का पता लगाएंगे। किसी की नजर में आए बिना जा रहे हैं। चलो अब वहाँ से राइट मुड़ो। ये क्या हुआ? नॉटी बॉय, सड़क पर जो भी दिखे उसे अपने मुंह में नहीं डाल लेना चाहिए। चलो निकालो उसे। अरे अभी वापस जा रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया।
जाकर लेकर आते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ बेटा। नहीं, ठीक है। ये तो सुनियो है। उसका पीछा करो। मैं आ गया। मॉम, पता है मॉम, आज मैंने वो काम किया जिसे कोई नहीं करना चाहता। आज मैंने क्लास की खुद सफाई की। वाह सुनियो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये सब झूठ है, उन्हें बाद में पता चल जाएगा। ला 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 ला। सुनियो आधे घंटे से शीशे के आगे खड़ा हुआ है। पता नहीं वो कर क्या रहा है। चाहे कितनी भी देर में शीशे के आगे बैठ जाऊं, थकता ही नहीं हूँ। कितना सुंदर हूँ मैं। वाकई दुनिया का सबसे सुंदर लड़का अगर कोई है तो वो है सुनियो। पर पता नहीं ये बाकी सबको दिखता क्यों नहीं है। एक दिन ये बात सब मानेंगे, देख लेना। चलो अब होमवर्क कर लेता हूँ। अरे सुनियो तो अपना होमवर्क कर रहा है। मुझे होमवर्क से सख्त नफरत है। ये सुनियो भी ना। अरे हाँ, मैं नोबिता से होमवर्क करवा लूंगा। अब तो सुनियो ने हद ही कर दी। थोड़ा इंतजार करो नोबिता। अरे ये तो सो गया। अगर हम सुनियो को कहें कि हम ये सबको दिखा रहे हैं तो वो डर जाएगा। अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। सुनियो, मेरे इतने समझाने पर भी तुम माने नहीं। स्पाइडर्स क्या कर रही है? सुनियो चला गया। कहाँ गया सुनियो? तुम लोग उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालो ना। ये क्या है? जल्दी से सुनियो को ढूंढो। सुनियो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं कितनी बार तुम्हें ये बात समझाती रहूंगी। बताओ मुझे जरा, कब जाकर सुधरोगे तुम? मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मम्मा, अगली बार नहीं होगा। अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी, समझ गए? ठीक है मॉम, मुझे मंजूर है। अरे वाह, सुनियो को डांट पड़ी। अगर हम ये बात सबको बताए तो बहुत मजा आएगा ना। क्या कहते हो नोबिता? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं नोबिता को बुलाता हूँ और गुस्सा उतारता हूँ। नोबिता सुनो, मेरे घर आओ जल्दी। क्या कहा? तुम किस चीज की बात कर रहे हो? तुम सुनियो को यहाँ आने के लिए बोल दो नोबिता। क्या कहा? क्या तुम भूल गए कि तुमने फ्लावर पॉट तोड़ा था सर का, याद है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मुझे सर को उनका टूटा हुआ फ्लावर पॉट दिखाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने देख लिया, फ्लावर पॉट तुमने तोड़ दिया। पर इसे तो तुमने तोड़ा था नोबिता। आज तो मुझे ये दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है सुनियो। टॉयलेट जाओ तो दरवाजा बंद कर देना चाहिए। और तुम्हें वो आदत सुधारनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा डांट पड़ती है। प्लीज किसी को मत बताना नोबिता, प्लीज। तो फिर मेरा होमवर्क कर दो। मैं क्यों करूँगा तुम्हारा होमवर्क?
फ्लावर पॉट। अच्छा ठीक है, कर दूंगा। आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं होता। नोबिता के सामने फ्लावर पॉट बोलो तो वो कुछ भी करेगा। चलो दोस्तों फिर तो ट्राई करते हैं। अरे सुनो नोबिता, अपने हाथ के बल खड़े होकर 100 चक्कर लगाओ इस मैदान के। लेकिन मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं जी यार? फ्लावर पॉट याद है ना? फ्लावर पॉट। बहुत भूख लगी है। मैं जा रहा हूँ कुछ ठंडा खाने, जैसे कि खरबूजा। इसमें तो काफी खर्चा होगा। क्या तुम्हें कोई ट्रीट देने वाला है? बस मेरा कमाल देखते जाओ दोस्तों। नानी, माता मितानू का यूएफओ। क्या तुमने एक और यूएफओ देखा? अरे आओ आओ बैठो, पूरी बात बताओ मुझे। उस वक्त हाँ मैं बताता हूँ, 8:30 होंगे। हाँ, उसमें कई तरह की लाइट्स भी जल रही थी। बाशुआ दो कुदा नहीं बाशुआ いい写真を撮ってきたらお小遣いをあげるよ。 UFO マニア なんだ。 तुम तो कमाल हो सुनियो। क्या तुमने सच में यूएफओ देखा? नोबिता तुम भी कैसी बात करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इस तरह की बातें सुनने के बाद वो मुझे हमेशा कोई नई चीज खिलाते हैं, बस यही बात है। तो ये बात है, लगता है मुझे भी ये पैतरा आजमाना चाहिए। जो सुनियो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तुमने सही कहा, ये बहुत गलत है। तुम भी ऐसा सोचते हो ना डोरेमोन? तुमने ये बात मुझे आज से पहले क्यों नहीं बताई नोबिता? चलो चलकर फोटो लेते हैं। सुनो डोरेमोन, तुम यूएफओ की नकली फोटो मत लो। नकली फोटो? तुम्हारा मतलब क्या है? हम असली फोटो लेंगे। क्या तुम एलियंस को जानते हो? तो फिर मुझे ये बताओ वो कहाँ से आते हैं? मुझे नहीं पता, पर शायद हम इस बात का पता लगा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है डोरेमोन? अरे छोड़ो ना, हम अपना यूएफओ बनाएंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सब नकली होगा? बिल्कुल नकली नहीं होगा, हम उसे मार्स के लोगों से ही बनवाएंगे। सच में डोरेमोन, तुम्हें लगता है वो लोग हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल, करनी तो चाहिए। तो जल्दी बोलो ना। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। ये देखो, मार्स पर हवा और पानी बहुत कम है, लेकिन पोलर कैप के पास काई उगती है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बोलो नोबिता, अब मैं एक गैजेट निकालने वाला हूँ। एवोल्यूशन डेवोल्यूशन रेगन। अगर हम एवोल्यूशन स्पीड डायल को घुमा दें, तो एवोल्यूशन के 1 अरब साल 10 दिन के बराबर हो जाएंगे और काई मार्स पर उग जाएगी। हम एवोल्यूशन के बदलावों को मॉनिटर पर देखकर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से यूएफओ बना सकते हैं नोबिता। हम इसे इस रॉकेट से मार्स पर भेजेंगे। खोलकर खड़े रहोगे? रॉकेट लाइट की स्पीड से जा रहा है, इसलिए वो जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। ये देखो, वो बस पहुँचने ही वाला है। वो लैंड करने वाला है। ये जगह तो रिवर्स थ्रस्ट। अरे वाह, सब कुछ ठीक से हो गया। अब हमें इंतजार करना होगा, 10 दिन के बाद एक यूएफओ आएगा। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ जियान। ये कैसा दिखता है? हाँ? तुम देखना चाहते हो? ये तो कितना अजीब सा दिखता है। तुम्हें ये लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं? ये काई है। देखो, इसमें तो हलचल हो रही है।
वो क्या है ना, दरअसल ये काई बढ़ रही है। इस वक्त ये बस सूरज और हवा के असर से बढ़ रही है नोबिता। ये तो कमाल का है। अब तुम क्या करने वाली हो? सोच रहा हूँ रॉकेट की गर्म हवा से इसे सुखा दूँ। कैसा आइडिया है? वो खराब हो जाएगा। वो खराब तो हो जाएगा, लेकिन वो पानी ढूंढने निकल जाएगा और इससे पक्का एक नई नस्ल पैदा होगी। वो मार्स वाली गाय की पूर्वज बनेगी। नोबिता, और इस तरह काय हर जगह फैलती जाएगी। ये है वो जगह जहाँ मैंने गर्म हवा फेंकी थी। यहाँ तो कुछ नहीं है, सब सूख गया क्या? देखो, शायद वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है। चलो पास से देखते हैं। हाँ, ये देखो, एक मशरूम जैसा जीव। वो भी मार्स पर? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मार्स पर ऐसा कुछ होगा। ये देखने में कितने ज्यादा प्यारे हैं ना? ये जल्दी वो उड़न दस्तियाँ बनाकर धरती पर आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। उन्होंने गांव जैसी बस्तियाँ बना ली हैं। हाँ, ये कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, है ना नोबिता? क्या सच में? अच्छा ठीक है, अगली बार मैं और अच्छी फोटो लूंगा। ये तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हाँ, और बढ़ भी गए हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तुम कितनी देर तक देखोगे? बस थोड़ा सा और। उस खिड़की पर तो देखो, वो दोनों तो बाप बेटे जैसे लग रहे हैं। अरे देखिए इशारा कर रहे हैं, है ना? पता नहीं वो दोनों क्या कह रहे हैं। मुझे एक माइक्रोफोन लगा देना चाहिए था। नोबिता, डोरेमोन, चलो जल्दी से सो जाओ। ओके। सुनो, बहुत रात हो गई है, चलो अब जाकर सो जाओ। ठीक है। डैड, वो लोग कौन है बताइए ना। बेटा, वो सब लोग धरती के लोग हैं। और वो मार्स पर हमला करेंगे, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था डैड। चिंता मत करो, वो सब एक कहानी थी, इंसान तो बस धरती पर ही रहते हैं। एक दिन मैं भी स्पेस रॉकेट बनाऊंगा डैड, और उसमें बैठ के मैं धरती को देखने जाऊंगा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है वो दिन जल्दी ही आएगा बेटा। चलो अब तुम सो जाओ। मैं आ गया। यूएफओ की क्या खबर है? उसने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। हाँ, 10 साल तो हो चुके हैं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चलो नीचे जाकर टीवी देखते हैं डोरेमोन, चलो ना। अच्छा आइडिया है, चलो चलो। मजा आएगा। इंसानी इतिहास में कदमों के नए निशानों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। ये गजब का यादगार पल धीरे धीरे पास आ रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, कामयाब होकर लौटना। प्लीज गौर कीजिए, पृथ्वी पर जाने की ये अद्भुत यात्रा शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या ये अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे, क्या ये जो चाहते हैं वो ये कर पाएंगे। मैं धरती के पास पहुंच रहा हूं, मैं एटमॉस्फेयर में दाखिल होने वाला हूं। ये कितना बड़ा शहर है, यहाँ कितनी बड़ी इमारतें हैं, और साथ ही कितना शोर भी है। ये जगह तो बहुत अजीब है। कितना प्रदूषण है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ के रहने वालों को देखता हूँ। वो एलियंस बहुत बुरे हैं। बचा लेंगे पृथ्वी को, करेंगे पृथ्वी को बचाने के लिए। लड़ाई झगड़ा कितना पसंद है, ये लोग कितने बुरे हैं। हार मत मानो, उनका सामना करो, तुम कर सकते हो। मैं इस घर पर नहीं रह सकता, घर जाकर सबको ये बात बताता हूँ, सब ये सुनकर हैरान हो जाएंगे।
なんじゃなこれは。UFO のおもちゃではないか。さてはこれを使ってインチキ写真を。わしは騙されていたのか。うわー、でこ UFO。क्या बात है जियान, मजा आ गया, हमने कर दिखाया, हमने फोटो ले ली। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं। मैं तो एक दिन भी ऐसी जगह पर नहीं रह सकता, और ना ही मेरे घर वाले। हम लोग जैसे भी हैं इन लोगों से बहुत बेहतर हैं। कि वो आएंगे डोरेमोन। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमारा यकीन करो, ये फोटो असली यूएफओ की है। अंकल, तुम लोग मुझे फिर से बुद्धू नहीं बना सकते। हमने सच में यूएफओ देखा है। हमारा यकीन कीजिए प्लीज। अरे, ये अभी लड़ रहे हैं, पता नहीं इनका क्या होगा। ये बहुत गलत बात है, इसकी वजह से दुनिया के सारे मासूम और प्यारे बच्चे मुसीबत में हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो बच्चों के लिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत और खुशहाल होती। तुम्हें पता है आज क्या हुआ डोरेमोन? ये तुम क्या कह रहे हो? पता है स्कूल में? स्कूल? टीचर की वजह से आज मुझे कम मार्क्स मिले डोरेमोन। लेकिन इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना? अगर स्कूल नहीं होता तो मुझे पढ़ना नहीं होता, पढ़ना नहीं होता तो मुझे टेस्ट नहीं देना होता, टेस्ट नहीं देना होता तो मुझे बुरे मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलता नोबिता। सब बच्चों को स्कूल जाना ही होता है, इसलिए ऐसा मत कहो। हम बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए नोबिता। कोई बात नहीं, तुम अभी खुश हो जाओगे। अरे, यहाँ क्या हुआ है दोस्तों? ये तो बहुत ही खराब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? यहाँ पर पहले कितने सुंदर पोल हुआ करते थे ना? लेकिन अब देखो यहाँ क्या हो गया है। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। अरे, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भूल गया, मुझे तो अपना टेस्ट पेपर कहीं छुपाना था डोरेमोन। उसे छुपाने से अच्छा है कि तुम उसे कूड़ेदान में फेंक दो। ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? तो फिर एक काम करो, उसे गड्ढे में छुपा दो। क्या तुम मेरे लिए गड्ढा बना सकते हो डोरेमोन? ओह, ये लड़का भी। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो डोरेमोन। इसे जरा ध्यान से देखो नोबिता, ये बहुत ही बढ़िया गैजेट है। अगर हम इसके डायल को घुमाते हैं तो ये गैजेट अपने आप एक होल बना देता है, यानी एक गड्ढा बना देता है। मजे करो। मुझे उतना ही छोटा होल चाहिए जिसके अंदर मैं अपना टेस्ट पेपर छुपा सकूं। इसमें तो काफी टाइम लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही गड्ढा खोद लेता हूँ। मैं इसे बिल्कुल नीचे छुपा देता हूँ ताकि कोई इसे देख ही ना पाए। ये तो बहुत ही गहरा गड्ढा है, मैं कहाँ छुपाऊँ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे हाँ, टेस्ट पेपर छुपाने के लिए ये जगह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। लग ही नहीं रहा मैंने टेस्ट पेपर छुपाया है। गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देता हूँ। गड्ढा खोदना कितना मुश्किल काम है। तुमने गड्ढा खोदा क्या नोबिता?
अरे ये तो सच में बहुत ही बड़ा गड्ढा है, मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई खुफिया सुरंग है। ये सच में बहुत बड़ा है। डोरेमोन जरा उस तरफ तो देखो। हाँ, ये तो कमाल हो गया। हाँ, अगर ये इतना बड़ा है तो हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हम चाहे तो इसे अपना प्लेग्राउंड बना सकते हैं। इतनी बड़ी जगह को हम छुपने की सीक्रेट जगह भी बना सकते हैं। ये इतनी बड़ी जगह है, हम कुछ भी खेल सकते हैं। खेलना ही क्यों, हम यहाँ पर पूरा शहर भी तो बना सकते हैं ना। अरे वाह, हम यहाँ बच्चों के लिए शहर बनाएंगे। और फिर इस बड़े से बच्चों के शहर का लीडर मैं बनूंगा, ठीक है ना डोरेमोन? और यहाँ पर हम सभी बच्चे मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। वो सब तो हम बाद में सोचेंगे नोबिता, पहले हमें ये सोचना है कि इस जमीन को कैसे ठीक करें। मिनी बुलडोजर, ये और अब बारी है शाइनी मॉस की। अगर हम इसे चारों तरफ फैला देंगे तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा और पूरी जगह फैल जाएगा। चलो नोबिता, काम हो गया है, कल देखना ये जगह बिल्कुल बदल जाएगी। कल देखना तुम उस जगह को पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन जियानो सुनियो को उस जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, हम बस शिजुका को बताएंगे, ठीक है ना? ना हम देखी सुगी को भी बुला ले, वो हमें बहुत ही अच्छे आइडियाज भी दे सकता है। देखी सुगी, ठीक है डोरेमोन। तो तुम कंप्यूटर्स का होमवर्क कैसे करोगे? मैं सोच रहा था कि मैं इंटरनेट पे सर्च करूंगा। अरे नोबिता तुम यहाँ पर? तुम्हें पता है मुझे एक बहुत बड़ी जगह मिली है शहर बनाने के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जल्दी से अपना बैग रख के आता हूँ, ठीक है? शिजुका, डेकिसुगी, ये बात किसी को बताना मत। जियान और सुनियो को तो बिल्कुल भी मत बताना। ये तुमने क्या कर दिया नोबिता, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। अब तो इन दोनों को भी पता चल गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे वाह, चलो दोस्तों अंदर चल के देखते हैं। अरे डोरेमोन, ये जगह तो बिल्कुल बदल गई है। मैंने कहा था ना। कितनी सुंदर जगह है। रुक जाओ जिया, मैं नहीं जीतूंगा, तुम मुझसे। मैं थक गया हूँ। मैं भी थक गया। अभी तो हमने आधा रास्ता भी नहीं तय किया। कैसी लगी तुम लोगों को ये जगह? ये कमाल की है, जब भी मुझे डांट पड़ेगी अब मैं यहीं आ जाया करूंगा। पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई घर और ना ही फर्नीचर। उसका भी इंतजाम है। अब देखना। वैसे तो ये पेपर से बना है पर बहुत मजबूत है। मेरे पास बहुत सारे घर हैं, जिसको भी चाहिए ले लो। ये वाला मैं ले लेता हूँ। जरा रुक जाओ, अगर हमने इसके बारे में अभी से प्लान नहीं किया तो बाद में मुश्किल हो सकती है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जगह तो बहुत बड़ी है। मेरे पास दो दो। चलो मैं यहाँ पर एक रोड बना देता हूँ, बिल्कुल सीधी। सुनियो, मैं वहाँ पर एक रोड बना रहा हूँ, अपना घर हटाओ। मैं तुमसे पहले यहाँ पर आया था नोबिता, समझे तुम? सॉरी, रोड थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई। प्लीज मुझे ऐसे मत डराओ नोबिता। हाँ, ये क्या है? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अपना घर हटाओ यहाँ से। इसे यहाँ से हटाओ ना, तुम्हारे इस घर की वजह से मैं अपना कॉन्सर्ट हॉल नहीं बना पा रहा। लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आया था। क्या कहा तुमने? अरे बच गए।
तुम मेरे म्यूजियम के रास्ते में आ रहे हो दोस्तों। मैं यहाँ पर अपने नाम से एक म्यूजियम बना रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से हट जाओ। मैं यहाँ पहले से हूँ। यहाँ मेरा कॉन्सर्ट हॉल बनेगा, समझे? क्या क्या तुमने कुछ और कहा? पर मैंने यहाँ पहले कहा था। यहाँ म्यूजियम बनेगा। नहीं नहीं, कॉन्सर्ट हॉल। कहा ना म्यूजियम बनेगा। मैंने अच्छी रोड बनाई ना शिजुका, लेकिन अरे मेरा प्राइवेट कॉन्सर्ट हॉल, मेरा म्यूजियम कहाँ गया? यहाँ तो सब कुछ खराब हो गया। चलो अच्छा ही हुआ, इस बार हम अच्छी तरह प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ही कुछ बनाएंगे, ठीक है ना? पहले हम बीच में एक पार्क बनाएंगे और फिर चारों दिशाओं में रोज बनाएंगे, अच्छी बात है ना? हाँ, एक बेसबॉल फील्ड भी बनाते हैं। देखिए सुगी का ये आइडिया बहुत अच्छा है, एक बहुत सारे फूलों वाला गार्डन। पर कोई स्कूल मत बनाना। मैं सभी की बातें पूछ कर एक लिस्ट बना लेता हूँ। क्या बात है, कितना सुंदर है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, देखी सगी? नहीं, ये हम सब ने मिलकर बनाया है शिजुका। ये हमारा शहर है। ये हमारा प्यारा शहर है। प्यारा शहर? हमारा प्यारा शहर जो सिर्फ बच्चों के लिए है। ये हमारा प्यारा शहर है। और मैं वो वाला लूंगी। मैं कौन सा लूं, कौन सा लूं? मैं तो वो लूंगा, जा रहा हूँ। वो ये जो मेरा है। वाह, कितना नरम है, इस पर तो लेटते ही मुझे नींद आ जाएगी। हे नोबिता। हाँ? अरे जियान, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है नोबिता, चलो हम अपने घर आपस में बदल लेते हैं, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पर यहाँ और भी तो बहुत सारे घर हैं। क्या कहा? डरेमोन, जियान ने जबरदस्ती मेरा घर छीन लिया, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मुझे पहले ही पता था जियान ऐसा ही करेगा, इससे पहले कि देर हो जाए मैं उसे रोकूंगा। पुलिस चीफ बैज, आज से तुम एक पुलिस ऑफिसर बन गए हो नोबिता। जब तक ये बैज तुम्हारे पास है, ये रोबोट पुलिस तुम्हारा कहना मानेगी। सच में? ट्राई करके देखो। पीछे मुड़ो। अब मेरे रहते हुए यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा। अच्छे से काम करना नोबिता। आगे बढ़ो। हे सुनियो, तुम ये सब क्या ले जा रहे हो? ये सारी कॉमिक बुक्स हैं जियान, अब मैं इन्हें आराम से पढ़ पाऊंगा। अच्छा कॉमिक्स, हे ये सारी कॉमिक्स तुम यहीं छोड़ दो। मैं यहाँ लाइब्रेरी बनाऊंगा। मुझे अरे मुझे दे भी दो। रुक जाओ जियान। नोबिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पकड़ लो उसे। तुम्हारा मतलब है ये छोटे छोटे गुड्डे जैसी चीजें मुझे पकड़ेंगी? इन्हें तो मैं दो मिनट में कुचल दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। पूरे 10 मिनट की सजा मिलती है, चलो ले जाओ इसे। तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता। वो दरअसल मेरे दोस्तों, चलो अपने शहर को एक अच्छा शहर बनाते हैं, सारी बुराइयाँ मिटाते हैं।
और मुझे लगता है ऐसा सब कुछ करने के लिए तुम्हें एक लीडर की जरूरत होगी और मुझसे अच्छा लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहते हो? मैं जानता हूँ आप सब लोग दिल से चाहते हैं कि मैं ही लीडर बनूं। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ गया आप सब लोग यही चाहते हैं। तो आज से इस शहर का नाम नोबिता लायन होगा और ये रहा हमारे शहर का झंडा। अरे ये फिर से शुरू हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो हमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ इस नोबिता लैंड में और बच्चे शामिल हो और हम उन्हें फ्री में चॉकलेट, खिलौने, पेस्ट्रीज, केक सब देंगे। आखिर ये नोबिता का नोबिता लैंड जो है। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? देखो नोबिता, समझदारी से काम लो। मुझे तो लगता है अब तुम सबको मेरे साथ घर चलना चाहिए। तुम्हें होमवर्क भी तो करना होगा ना। अब जल्दी चलो। मेरे सपने को मत तोड़ो। वैसे तुम सही कह रहे हो, बहुत सारा होमवर्क है, करना पड़ेगा। आइडिया। तुम्हारा कहने का मतलब है मुझे होमवर्क करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सही, तुम्हें लीडर की बात माननी ही पड़ेगी, समझे तुम? आज से सबका होमवर्क तुम ही करोगे, ठीक है ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सभी को अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, ये गलत बात होगी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें समझ नहीं आता? ये सब तुम क्या कह रहे हो नोबिता? चुप हो जाओ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। अच्छा ठीक है, तुम काफी समझदार हो। चलो ठीक है, आज से मुझे या नोबिता लैंड में किसी भी बच्चे को होमवर्क करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब हम आराम से खेल सकते हैं। पर खेलने के लिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आइडिया। बोलो नोबिता, क्या बात है? आज से खेल डिपार्टमेंट तुम्हारा है। तुम डोरेमोन के पास जाओगे, उससे तुम गैजेट लोगे और फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाओगे। लेकिन मैं ही क्यों नोबिता? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। समझाऊं क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, हाँ। और हमें किसकी जरूरत है खाने की? अरे डोरेमोन, क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर खाने की व्यवस्था करो। जाओ जाओ, जाकर खेतों में काम करो। हाँ? तुम सबको काम करते हुए देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यकीन है तुम सब अपने काम को बहुत अच्छे से करोगे, है ना? तुम कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रहे हो नोबिता। जे की सुगी को पकड़ लो। काफी काम कर लिया, बहुत थक गया, अब जाकर सोता हूँ। आओ सिपाहियों, मेरे पीछे आओ। एक शहर में और क्या क्या होता है? तो मुझे और क्या क्या करना चाहिए? ऐसा करता हूँ, अपना एक स्टैचू बना लेता हूँ, वो भी इस पोज में। आखिर ये नोबिता लैंड जो है। ठीक है, तो फिर मैं डोरेमोन को बुलाता हूँ। हेलो डोरेमोन। अब क्या हुआ, अब इसने मुझे क्यों बुलाया? अच्छा सुनो, अपना गैजेट निकालो और मेरा स्टैचू बना दो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। क्या कहा, नहीं कर सकते? करता हूँ। चलो अब ठीक से खड़े हो जाओ। तुम्हें स्टैचू कहाँ लगाना है? मुझे लगता है वहाँ उस जंगल में ठीक रहेगा। तो अब तो तुम खुश हो गए ना नोबिता? बहुत खुश। हाँ? चलो वापस जाओ और खेतों में काम करो। अरे लेकिन मैं सारे काम सब मुझसे ही कराते हैं। सुनियो, मुझे पासवर्ड बताओ। पासवर्ड है नोबिता जियान। सुनियो, मैं तो भूल गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अंदर आओ। यहाँ आसपास कोई रोबोट पुलिस नहीं है। हाँ।
कोई और गैजेट तो नहीं? नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और तुम्हारा किसी ने पीछा भी नहीं किया ना? मैंने यहाँ सबको नोबिता के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। आजकल वो बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करता है। तुम बिल्कुल बोलो तुम सब दोस्तों, नोबिता ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। वो हम पर हुक्म चलाता है, सारे काम हमसे करवाता है। वो कहता है कि वो शहर के बारे में सोचता है, पर वो हमेशा सोता ही रहता है। अगर रोबोट पुलिस आसपास ना हो तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मेरी समझ में नहीं आता कि नोबिता के पास रोबोट पुलिस आई कहाँ से? डोरेमोन, फिर तो सारी गलती तुम्हारी है, समझे? देखो तुम लोग इतना शोर मत मचाओ। अरे सब शांत हो जाओ प्लीज, मुझे पता है सबको कैसा लग रहा हा? है। हम सबके विचार एक जैसे हैं। चलो हम सब साथ मिलकर रोबोट पुलिस को यहाँ से भगाते हैं, क्या बोलते हो? तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं था। जाकर देखो ये शोर कौन मचा रहा है। ये सब क्या? अगर हम सब मिलकर हमला करें तो हम रोबोट पुलिस को यहाँ से भगा देंगे। देखो वो रहा नोबिता। अब मैं गड्ढा खोद कर उसी में छुप जाता हूँ। आखिर वो गया कहाँ? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। गड्ढा खोदना शुरू करता हूँ। ये तो कुछ कुछ मेरे टेस्ट पेपर जैसा दिखता है। ये तो मेरा टेस्ट पेपर ही है, पर ये तो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सब कैसे हो? अब तुम कहीं और नहीं भाग पाओगे नोबिता मेरे दोस्त। ये क्या हो रहा है नोबिता? भागो, ये गिर रहा है, भागो। क्या कहा, किसका शहर नोबिता? वो जियान, दरअसल मैं तो हाँ, तुमने गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ नोबिता, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, जरा दिखाओ मुझे। मॉम, ये वो ये क्या है नोबिता, फिर से जीरो? मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा खेलते क्यों रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान। शहर बनाने का क्या फायदा हुआ? आइंदा से तुम्हारा खेलना कूदना बिल्कुल बंद, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।